आईपीपीबी इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे कि आईपीपीबी एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम लॉगिन करके उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उससे कैसे मनी ट्रांसफ़र या आधार लिंक किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से परमिशन देंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ कस्टमर आईडी डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको एम पिन चूज़ करना होगा, यहाँ से आप एम पिन बना लेंगे, यहाँ एम पिन को डालेंगे, यहाँ एम पिन को कन्फर्म कर देंगे और सेट एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, चाहे तो आप इसका आंसर देंगे या फिर यहाँ से क्वेश्चन चूज़ कर लेंगे, उसका आंसर यहाँ पे भर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको इसलिए पूछ रहा था कि आप कभी भी एम पिन अपना भूल जाएँ तो वो फॉरगेट करने में ये क्वेश्चन आंसर आपका मदद करेगा। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको होम पेज में ला करके छोड़ेगा। यहाँ अपना एम पिन जो चूज़ किए हैं वो एम पिन डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बैलेंस को देख सकते हैं। यहाँ मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहीं से देख सकते हैं कि कहाँ आप कितना पैसा खर्च किए हैं। आप यहीं से कोई दूसरा पोस्ट ऑफिस के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से अदर बैंक का अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करके आप किसी को भी पैसा के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं आप, यहाँ से डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहीं से अपना देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके बहुत सारी सेटिंग है जो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड अगर लिंक नहीं किया हुआ आपका NPCI से तो यहाँ आधार सेटिंग पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे देखिए स्टेटस सक्सेस है, हम लिंक कर चुके हैं, इसी बैंक का मेरा लिंक किया हुआ है तो डे मेरा यहाँ पे डेट आ जाएगा, अकाउंट बैलेंस शो करने लगेगा। अपडेट ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं या ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन में जा करके आप अपना स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपका हर महीना यहाँ पे स्टेटमेंट आता रहेगा ईमेल पे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, इस पर क्लिक करके आप पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो भी सर्विस दिया जाता है वो सर्विस का लाभ यहाँ से ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यहीं से आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यहीं से आप मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट गैस का बिल यहीं से भर सकते हैं, फास्टैग DTH लैंडलाइन पोस्टपेड। और यहाँ स्कैन एंड QR, इस पर क्लिक करके आप QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।